Hi everyone, how are you all? Welcome back to my channel अश्विनी आनंद गोखले. और आज मैं फिर से मन की बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी नवरात्र चालू हो गया है तो सबको नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं. और मैं आज कुछ लोग दूसरों की लाइफ में खामखा नाक पोकिंग नोज इन अदर्स लाइफ ऐसे रहते, बेशक वो हमारे रिलेटिव्स हो या एकदम क्लोज रिश्तेदार हो, वो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा नोज पोकिंग करते हैं. आकर कभी कभी आते हैं फिर भी, लेकिन हमारा दिल तोड़ के जाते हैं. हम उन्हें कितना भी संभालने की कोशिश करें लेकिन वो सुधरते नहीं. वो ऐसे कुछ लोग रहते हैं हमारे लाइफ में. मैं जानती हूँ कि हर किसी के लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहते हैं और ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए. तो परसों ही हमारे घर में एक रिश्तेदार हमारे आए थे. तो वो बहुत दिनों के बाद, यानी बहुत सालों के बाद आए थे, इसलिए मैंने उन्हें अच्छी तरीके से वेलकम किया. लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली कि वो मुझे बहुत ज़्यादा मन को ऐसे टॉर्चर हुआ, यानी मन को, कि तुम अब क्यों नहीं कुछ करती. क्योंकि मैं अभी हाउसवाइफ हूँ और अब मैं कुछ ज़्यादा बाहर जाके काम नहीं करती, तो वो इशू बहुत ज़्यादा लोगों को चुभता है. तो लेकिन मैं ऐसे बताती हूँ आपको कि मैं कभी भी शांत नहीं बैठी हूँ. मैं 12th स्टैंडर्ड से काम कर रही हूँ, यानी मैंने जब मेरा 12th स्टैंडर्ड पास आउट किया तभी से मैं कुछ कुछ छोटा छोटा काम करते करते ही, यानी मैंने मेरी ज़िंदगी गुजारी है. कभी भी किसी के ऊपर मैं बोझ बन के नहीं बैठी. तो ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो खुद तो खुद के घर को संभाल नहीं सकते लेकिन दूसरों की लाइफ में नाक पोकिंग नोज पोकिंग करते हैं. तो मैं बताती हूँ, मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने कोर्स किया, पार्लर का कोर्स किया. फिर उसके बाद छोटे 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 ऑर्डर्स अब तक मैं करती रही, यानी बेशक वो हेयर स्टाइल के ऑर्डर हो, मेकअप के ऑर्डर हो, या फिर एरोबिक्स के क्लासेस मैंने लिए. यानी मैंने मेरी बेटी को मैंने 3-4 साल से संभाला है और एकदम खुद के दम पे संभाला है. यानी ऐसे किसी की मैं किसी के पास नहीं गई कि मुझे पैसे चाहिए करके. तो ये मेरा नेचर है कि मैं कभी गई नहीं किसी के पास कि मुझे पैसे चाहिए. पैसों के लिए मैंने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की. यानी जब मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की. तो और अभी हमारा, यानी मेरा और मेरी बेटी के बीच कभी कभी झगड़ा हो जाता है तो मैं उसे बोलती हूँ तुम कमाओ तो तुम्हारे साथ मैं आऊँगी, किसी और के पैसों के ऊपर मैं क्या बोलते मस्ती मजाक करने की बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ. यानी तो वो मुझे बोलती है कभी कभी कि यहाँ आओ वहाँ आओ करके. तो लेकिन मैं उसका भी एक ये बताती हूँ कि उसका भी नेचर थोड़ा बहुत मेरे जैसा ही है. यानी वो 10th स्टैंडर्ड में थी तभी उसने 87% उसे मिले और उसको स्कॉलरशिप भी मिल गई. यानी उसका जर्नी स्टार्ट हुआ है पहले ही 10th स्टैंडर्ड में, उसे 15,000 का स्कॉलरशिप मिला. भले हम दोनों की उसमें मेहनत है, ऐसे नहीं है कि खाली मैंने कोशिश की है, उसने भी कोशिश की और उसे 15,000 उसने 10th स्टैंडर्ड में ही कमाए. तो मुझे तो लगता है कि वो उस
काबिल है कि मुझे बोल सकती है या कुछ उसका जो कुछ मन है वो मेरे साथ शेयर कर सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों की लाइफ में खामखा इंटरफियर करते हैं, पोक करते हैं, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा, यानी खुद तो कुछ कभी संभालने के लिए आते नहीं या खुद कुछ करते नहीं दूसरों के लिए, लेकिन अगर किसी का अच्छा कुछ दिखा तो पोक करने के लिए ज़रूर आते हैं। तो ऐसा कुछ लोगों का नेचर होता है। भले हम दोनों के बीच में, यानी मेरी डॉटर के और मेरे बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, कई बार हम दोनों एक दूसरे से झगड़ते हैं, बहुत बार झगड़ते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि वो काबिल है, क्योंकि उसने उसकी पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करके कुछ तो पैसे 10th स्टैंडर्ड में ही कमाए हैं, और यानी वो काबिल है। या फिर मैंने भी पढ़ाई तो की ही की, मैं साइमल्टेनियसली पढ़ाई कर रही थी, अर्न एंड लर्न कर रही थी, यानी जब मैं पढ़ रही थी उसी टाइम मैंने कमाई भी चालू की थी, यानी मैं खुद के पैसों से मैंने एजुकेशन मेरा कंप्लीट किया। 12th स्टैंडर्ड तक मैंने मेरे पैसे जैसे मेरे मम्मी डैडी देते थे उसके ऊपर, लेकिन 12th स्टैंडर्ड के बाद मैंने अर्न एंड लर्न जैसे प्रोसीजर चालू किया, और उस तरीके से मैंने मेरा जितना भी कभी कभी ऐसे रहता था कि दिन दिन भर मैं शॉप में बैठती थी और 20 रुपये 30 रुपये शॉप खोलने की एक्चुअली रिस्क मैंने ली कि एक पार्लर लिया और उसके अंदर कमाई करने की कोशिश की। कभी कभी ऐसे रहता था, पेशेंस का गेम रहता है, दिन भर मैं बैठती थी और 20 रुपये लेके घर पे आती थी, यानी पेट्रोल के अभी पैसे तब, यानी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर तक मेरा शॉप था, तो वहाँ पे जाके मुझे काम करके फिर से वापस आना पड़ता था, यानी हम थोड़ा सा पुणे के आउट, यानी 4-5 किलोमीटर सिटी से थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो मेरा शॉप जो है वो प्रॉपर पुणे की सिटी सदाशिवपेट करके एरिया है वहाँ पे था। तो कभी कभी ऐसे होता था कि शॉप में 20 रुपये भी नहीं मिलते थे और जस्ट पेट्रोल का पैसा डाल के मैं आती थी वापस। 2-3 बार मेरी बेटी को लेके जाते वक्त मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है, यानी अभी भी मेरे सर में वो चोट है और मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ और स्टिचेस हुए मेरे हेड में। तो 2-3 बार मेरा एक्सीडेंट भी हुआ कि मैं उसे जब मेरे साथ शॉप में लेके जाती थी, तो 2-3 बार ऐसे हुआ कि मैं गाड़ी से गिर गई और मुझे स्टिचेस हो गए। सॉरी आई एम इमोशनल। तो मैं बोलना चाहती थी कि दूसरों को बोलना बहुत इजी है कि आप ऐसे करो वैसे करो, लेकिन जिसके ऊपर गुजरती है उसे मालूम होता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। तो ये एक हुआ नोज पोकिंग का इशू। और जब मैं काम करती थी, यानी जब मेरा पार्लर चालू था, तब कुछ क्रिटिक्स लोगों के साथ मेरा हमेशा वाला पड़ जाता था। बहुत क्रिटिक्स थे, यानी जब अब काम में स्टॉप करके घर पे बैठी हूँ तो घर पे आके बोलने वाले लोग की एक कैटेगरी है, और जब आप काम करते हैं
तब एक कैटेगरी रहती है क्रिटिक्स लोगों की, तो वो हमें, तो दूसरे रहते क्रिटिक्स लोग जो हमें हमेशा क्रिटिसाइज करते कि आप ऐसे काम करते हो, आप ऐसे नहीं काम करते हो, आपको ये काम ऐसे करना चाहिए, आपको ये काम वैसे करना चाहिए। उनको वो भी नहीं देखा जाता कि हम काम कर रहे हैं। मेरे पास जब बहुत ज़्यादा काम रहता है तो वो क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये आप ऐसे कर रहे हो, ये वैसे कर रहे हो, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे बोलना नहीं चाहिए, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे क्रिटिसाइज लोग भी बहुत देखे हैं। तो दोनों तरफ के लोग मैंने देखे, यानी नोज पोकिंग करते हुए भी लोग देखे और क्रिटिक्स भी देखे हैं। तो इनके ऊपर क्या जितना बोलूँ ना उतना कम है। करियर आपका हेल हो जाएगा अगर इन लोगों के ऊपर आप ध्यान दोगे, तो ये लोग आपको जीना भी नहीं देंगे। तो जितना अपना आपको मालूम है कि आपके पास इतने पैसे हैं और आपको ये एडजस्टमेंट करनी है, या आपको ये इस तरीके से आप थोड़ा बहुत ये आगे जा सकते हैं, तो आप वो दूसरों का देखते बैठेंगे तो आपका कभी भी सफल होगा ही नहीं, काम ही नहीं होगा कभी भी। वो लोग बोलते ही रहेंगे ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, ये ऐसे करती है, वो वैसे करती है, और काम तो पूरा होगा ही नहीं। यानी काम पूरा होने के लिए सब लोगों का क्या बोलते हैं, बैकिंग लगता है। लेकिन बैकिंग तो छोड़ो, ये ऐसे लोग ही मेरे लाइफ में मुझे बहुत बार मिले हैं। और पास्ट में जो काम किया था वो वैसे ही किया था, तो वो अब की सिचुएशन में आपको अभी जज नहीं कर सकते क्या आप अभी वैसे हैं या नहीं। तो कुछ लोग ब्लैकमेल भी करते हैं कि पिछली बार आपने ऐसे किया था तो आप ऐसे ही होगे करके जज करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, पास से आपको रिजेंबल करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं अभी। तो छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर ये काम पूरा करना, यही मेरी अभी कोशिश रहेगी। क्योंकि मैं तो अभी रुकूंगी नहीं, ये मैंने तय ही किया है कि मैं कोई किसी भी हालत में रुकने वाली नहीं हूँ। चाहे मुझे नोज पोकिंग किया जाए या फिर मुझे क्रिटिसाइज किया जाए, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। ये मैंने तय यानी तय कर लिया है कि मैं रुकने वाली नहीं हूँ। और ब्लैकमेल तो बिल्कुल भी नहीं मैं होने वाली कि पास से मुझे रिजेंबल करेगा कोई, तो मैं पास के साथ रिजेंबल होके कुछ भी ब्लैकमेल होने वाली नहीं हूँ। तो ये मैंने तय किया था, किया है, और ये मेरे मन में अब हमेशा अभी ऐसे ही रहेगा सिचुएशन कि इन लोगों के ऊपर, क्योंकि ये कोई मुझे संभालने के लिए नहीं आने वाला, सब कुछ मुझे ही संभालना है। ये मेरा जो कुछ मेरा काम मुझे ही संभालना है, ये लोग मेरे को संभालने के लिए नहीं आने वाले। तो जैसे होगा वैसे थोड़ा थोड़ा करके मैं मेरी चीज़ों को संभालूंगी और मेरा काम आगे बढ़ाऊंगी, रुकूंगी नहीं, अभी रुकने वाली नहीं हूँ मैं। दिस इज़ द मैसेज ऑफ टुडे, और ये मेरे मन की बात मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कॉमेंट बिलो। बाय बाय, लव यू ऑल।